हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है। मैं बीएमएमसी सफदरजंग का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ फ्यूचर डॉक्टर मीनल हैं, जो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनल गुप्ता है और मैंने इस साल नीट अपियर करा है और मेरे मार्क्स हैं 667 एंड रैंक है 1870। मेरे इंडिविजुअल मार्क्स हैं, फिजिक्स में मेरे 175, केमिस्ट्री में 161, बायो में मेरे हैं 331। सो आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जो मैंने पूरे साल फॉलो करी और मेरे ये मार्क्स आए। सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी अपनी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। फिजिक्स में मैंने डीसी पांडे करी थी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जैसे कि ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की, एंड शीट करी थी मैंने और सर के नोट्स, आशीष भैया के नोट्स बहुत प्रिसाइज हैं तो मैंने वो करे थे। एंड जैसे हम टेस्ट देते हैं पूरे साल तो जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए होते हैं, फिर जो 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 क्वेश्चन हमारे को अच्छे लगते हैं कि यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया तो शायद उस टाइम ना हो पाए, तो मैंने उसका ना एक नोट्स टाइप बना लिया था, एक नोट कॉपी में वो क्वेश्चन नोट कर लिए थे, जिससे कि मुझे बाद में हेल्प हुई उन्हें रिवाइज करने में। वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, अगर एग्जाम में आते तो शायद मैं ना कर पाती अगर मैं उन्हें पहली बार देखी, बट मैंने वो टेस्ट में नोट कर लिए थे तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करा। फिजिक्स में मैंने यही करा। और जैसे कि जो भी आपको फिजिक्स में डाउट हो तो आपको वो टीचर से क्लियर करना है, ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं या फिर अपने किसी बैचमेट से पूछ रहे हैं। आपका जो बैचमेट आपको डाउट बताएगा ना, वो बस आपका क्वेश्चन क्लियर करेगा कि ये क्वेश्चन के लिए ये सोल्यूशन है, मगर आप जब टीचर से डाउट पूछते हैं ना तो आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या, वैसे 10 क्वेश्चन आपके आगे हो जाते हैं। तो आपको टीचर से डाउट पूछने हैं, आप आशीष भैया को मैसेज कर दिया करें या फिर टाइम ले लीजिए करें, तो वो आपको बता देंगे डाउट। तो फिजिक्स के लिए तो मैंने ये करा। केमिस्ट्री में मैंने सर के नोट्स, अगेन शीट, मतलब केमिस्ट्री को मैंने डिवाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे हर पार्ट में क्या क्या करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सर के नोट्स, वो बहुत अच्छे हैं। एंड एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर हैं जो आपको नहीं करने हैं, लाइक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट कुछ चैप्टर हैं जो कि करने ही करने हैं। अगर आपने उनकी एनसीईआरटी कर ली ना तो आपका मतलब 80% चैप्टर वो प्रिपेयर हो गया है, जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है। ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री की तो सारे चैप्टर लगाने हैं, एंड सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छा है, उसकी भी एनसीईआरटी अच्छी है, तो वो भी आपको करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यही करना है, कोई मॉड्यूल नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है, एनसीईआरटी शीट और सर के नोट्स। तो बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में हुआ था तो मैंने उसका बहुत लिमिटेड कंटेंट कर पाई थी मैं, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये किया था, सर के नोट्स और एनसीईआरटी, दैट्स इट। कोई भी मॉड्यूल नहीं एंड कोई भी शीट नहीं, कुछ नहीं कर पाई थी मैं, बस मैंने एनसीईआरटी करी और सर के नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, बल्कि ज़्यादा ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बहुत बार रिविजन करनी है, मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना है, यही तरीका है उसको लर्न करने का, वरना वो नहीं हो पाएगी। आपने जैसे कि कोई चैप्टर अभी जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक करा, तो उसकी डेट लिखनी है आपको उस चैप्टर की, आपने कब करा, जैसे कि एक्स वाई जेड कोई भी आपने डेट पे करा है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको वो देखना है कि आपने फर्स्ट टाइम कब रिविजन किया था, उससे आपका वो रिविजन लिंक हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। एंड जो चीज़ आप, कोई रिएक्शन है, कोई स्टेप है, कोई प्रोसेस का नेम है जो आप भूल जाते हो बार बार, उसको अपनी वॉल पे चिपका लो। मैंने तो क्या किया था, मैं तो अपने फ़ोन के कवर पे चिपका लिया, मतलब फ़ोन का जो वॉल पेपर उस पर रख दिया करती थी उसको, मतलब उस पर सेव कर लिया करती थी उसे, ताकि मैं उसको बार बार देखूँ तो मेरे को वो याद हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो केमिस्ट्री के लिए तो मैंने ये करा, मोमेंटम के नोट्स इनफ है केमिस्ट्री के लिए भी। बायो में आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है बायो में आपको, आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है और कोई बुक लगा लीजिए, क्योंकि जैसे इस बार असेशन रीजनिंग आई है तो उसके लिए आपको कोई बुक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने जीआरबी करी थी बायो के लिए, तो बायो के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस एनसीईआरटी रीड करो, रिविजन करो एनसीईआरटी के चैप्टर्स का भी, जैसे इनऑर्गेनिक पढ़नी है ना वैसे ही बायो पढ़नी है, उसको भी लिख लो लास्ट टाइम ये चैप्टर कब पढ़ा था और अब नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर कब पढ़ा हो, ताकि आपको याद रहे कि इतने दिन के गैप हो गया इस चैप्टर में। तो बायो के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। तो मैं इस जर्नी में काफ़ी टाइम से थी नीट की, तो मेरे को तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे। पहला डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया था, तो वो तो मैंने इस साल पूरी तरह से छोड़ दिया था, मतलब कुछ नहीं करा मैंने सोशल मीडिया में, ना इंस्टाग्राम ना, मतलब व्हाट्सएप यूज़ करती थी जस्ट कि डाउट क्लियर हो जाए टीचर से। और सोशल मीडिया आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे वहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर हो जाएगा। एंड कोई भी मतलब जो आपके रास्ते, आपके नीट के रास्ते में आ रहे हैं ना, आपको हटा देना है उस डिस्ट्रैक्शन को, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो कोई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको वो हटा देना है बिल्कुल।
तो टेस्ट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने, मैंने भी अपने जर्नी में आएगा 73-75 टेस्ट दिए हैं, तो वो आपको सारे के सारे आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दो। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हो पा रही है ना, तो भी आपको टेस्ट देना है, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि हम एटलीस्ट अपनी तरफ से तो पूरा प्रॉपर कर रहे हैं ना मेहनत। तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट मैक्सिमम देना है, और उन टेस्ट को एनालाइज करो कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं हमारी कोई गलती तो नहीं हो रही है, जो हमने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसमें से तो गलत नहीं हो रहा है ना। और अगर कोई गलती हो रही है तो उसको लिखो एक कॉपी में कि यार ये गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, जितनी गलतियां हैं ना यहीं कर लो, इतने जो टेस्ट हमारे हो रहे हैं मोमेंटम में उसको यहीं निपटा लो, नीट के टाइम आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोल ऑफ मोमेंटम, मेरे लिए तो मोमेंटम एक मतलब मसीहा टाइप का बन के आया है कि मतलब मेरा बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा था सिलेक्शन, एंड जब मैंने मोमेंटम ज्वाइन करा तो वो इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया विद अ वेरी गुड स्कोर। सो मेरे लिए तो मोमेंटम बहुत अच्छा रहा, मेरी पूरी जर्नी मोमेंटम की बहुत अच्छी रही, मुझे कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ कि नहीं हो पाएगा। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी अपने टीचर से बात कर लिया करती थी कि वो मतलब वो मुझे मोटिवेट कर दिया करते थे, तो मुझे मोमेंटम का काफ़ी अच्छा मतलब मेरे लिए मोमेंटम बहुत अच्छा रहा। एंड यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, एंड बहुत मतलब जो क्लास का माहौल होता है ना वो काफ़ी फ्रेंडली होता है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया है, बहुत फ्रेंडली माहौल है यहाँ का। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन रहता है यहाँ पे, और मतलब यही है कि आप एक यहाँ पे आओ, क्लासेस आपको रोज अटेंड करनी है, कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, अगर कोई बाई चांस एक आधी क्लास कोई छूट भी जाती है तो उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस आपको अटेंड करनी है यहाँ पे। मोमेंटम में हमारी दो टेस्ट सीरीज चलेंगी, एक होगा टेस्ट थर्सडे को और एक होगा संडे को। तो जो संडे वाला टेस्ट होता है ना वो हमें हेल्प करता है कि हम अपना सिलेबस जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको कंप्लीट करें, और जो थर्सडे वाला टेस्ट होता है वो हमें हेल्प करता है कि जो हमने पहले पढ़ा है, जो हमारा रिविजन है, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन, उसको हेल्प उसके लिए हमें हेल्प करता है कि हमारा साथ साथ रिविजन भी होता रहता है और हम साथ साथ आगे का भी पढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों टेस्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, और आपको दोनों देने हैं पूरे। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा मैनेज, मगर आपको करना है क्योंकि 1% रेशियो है भाई सिलेक्शन का, तो आपको उस 1% में आना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये था मेरे लिए, तो आपको मतलब अपना पूरे साल आपको लगे रहना है। इनफैक्ट मैंने तो क्या किया था ना कि जैसा मेरा जो टॉपिक वीक है, मेरे को जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है मुझे नहीं आती थी पूरे, मतलब कभी भी नहीं आई, तो मैंने इस साल क्या करा कि जो मेरे वो चैप्टर थे ना, जब मैं टेस्ट देके आती थी घर पे, तो 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे टेस्ट एनालाइज करने में लग गया। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, उन चैप्टर्स को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिया करती थी किसी से मतलब यूट्यूब पे, ताकि जब वो क्लास में हो तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था। तो जो आपके प्रॉब्लमेटिक चैप्टर्स है ना आप वो पहले ही कंप्लीट कर देना है क्लास से पहले एक बार, ताकि जब क्लास में हो तो आपके लिए बेनिफिट हो। तो ये आपको करना है। रोल ऑफ एनसीईआरटी, आपको बायो की एनसीईआरटी तो बिल्कुल ऐसे पढ़ लेनी है जैसे आपको मतलब एग्जाम भी याद हो जाना चाहिए उसका, एंड बायो की नहीं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से भी इस साल क्वेश्चन आए हैं, जो कि मेरा एक मैंने छोड़ा भी था क्योंकि मैंने इतने ढंग से पढ़ी नहीं थी। तो आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे तरीके थरोली रीड कर देनी है, एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी में से कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको रीड करने हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेकेंड बुक जो है ना 12th की, वो आपको रीड करनी है पूरी की पूरी, वो आती है तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत थरोली रीड करनी है, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तीनों की। सो माय फाइनल एडवाइस जो मैं आने वाली नीट एस्पायरेंट्स को देना चाहूँगी जो मोमेंटम में है, तो मेरे लिए ये मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको ना जब भी टेस्ट दो तो वो ना बिल्कुल नीट वाले माहौल में दो कि आज मेरा नीट का पेपर है, ये सोच के दो। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो OMR ढंग से नहीं फिल करते हैं, तो आपको वो OMR को भी बहुत ध्यान देना, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ जिनकी OMR ढंग से फिल नहीं हो पाई तो उनके काफ़ी मार्क्स कट गए। तो आपको OMR को बहुत सीरियसली लेना है, बिल्कुल जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो ना उनको आप बिल्कुल नीट पैटर्न पे दो, और अवॉइड करो घर पे टेस्ट देना, जितने ज़्यादा टेस्ट आप यहाँ पे आके दे सकते हो उतने टेस्ट दो। एंड रिविजन को आप बार बार करो, जो टॉपिक्स आपको लग रहे हो ना कि आप भूल रहे हो कि ये बार मिस मतलब मैं बार बार भूल जाता हूँ टॉपिक, तो आपको कोई तरीका निकालना है कैसे भी करके कि आप उन टॉपिक्स को किसी ना किसी तरह याद कर लो, जैसे कि आप अपने वॉल पे चिपका लो। तो मेरे लिए तो यही एडवाइस है जो मैं देना चाहूँगी आने वाले नीट एस्पायरेंट्स को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।